हेलो जी, हम लोगों ने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है और अब बचा है मात्र 165 के आसपास। तो पीछे तो रोड बहुत ख़राब थी तो मैं व्लॉग नहीं किया उसमें, क्योंकि आधा चीज़ें तो रोड बचाने में जा रही थी आधा ध्यान। तो अब थोड़ी ये रोड अच्छी आई है तो मैंने कहा लाओ अपडेट दे दूं आप लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों का बस 150 किलोमीटर बाकी है। तो अंदाजन ये है कि हम 3 बजे तक पहुंच सकते हैं अगर इसी तरीके से चलते रहे। और अभी तो रोड सही आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू। और ये व्यू शायद देखा हुआ है पहले भी, ऐसा व्यू हमारा देखा हुआ है। और ये चित्रकूट जाने वाला जो रूट है, मुझे लग रहा है ये शायद ये रूट वही है, क्योंकि चित्रकूट के पास रीवा पड़ता है और रीवा और ये आपका जो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और पन्ना, ये आसपास में ही है और चित्रकूट भी उसी के आसपास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रास्ता शायद उससे मिलता जुलता है या उसके आसपास से ही जा रहा है। वो रूट जो निकलता है चित्रकूट का वो अलग होकर निकलता है प्रयाग, वो दूसरा रूट है। और एक प्रयागराज होके भी रूट है पर उससे तो बहुत टाइम लग जाता है। ये हम लोग दूसरा जो रास्ता, ये जो रास्ता लिया है ये रास्ते से हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, भले ही थोड़ा सा रास्ता उबड़ खाबड़ मिला है। तो हम लोग रायबरेली ना होके ये वाला रूट चूज किया है बैसवारा से जो कट हो जाता है। तो अभी एक फ्यूलिंग के लिए रुकेंगे थोड़ी देर में और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। गाइस थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ा था क्योंकि सर की गाड़ी थोड़ी स्लिप कर गई, अपनी एक BMW बाइक। तो पीछे रास्ता बड़ा ख़राब था तो ये गाड़ी जो है स्लिप मार गई थी। चलो होता रहता। तो गाइस हम लोगों ने अभी स्टॉप लिया है, यहाँ पर एक ब्रेक लिया है, काफ़ी टाइम हो गया था ना, भूख लग रही थी, सुबह से निकले हुए थे तो यहाँ पर आए, सारी बाइक्स लग गई हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे 222 किलोमीटर्स रिमेनिंग है तो उसके बाद फिर चल के और फिर आगे की कंटिन्यूस जर्नी करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं मोटर व्लॉग सेटअप पे। तो हमने होल्ड लिया था तो अच्छा हुआ, मैंने चार्जिंग में लगा दिया बैटरी, और दूसरी बैटरी है। अब ये जब तक चलेगी तब तक आपको वीडियो फुटेज मिलता रहेगा। अब यहाँ से निकलते बराबर ही देखते हैं रोड कैसे मिलती। तो गाइस हम लोग पन्ना एंटर कर चुके हैं, ये रहा पन्ना का मेन गेट और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। हमें थोड़ा सा काफ़ी लेट हो गया बट फाइनली पहुंच गए। थोड़ा सा रास्ता भी भटक गए थे, मेरी बैटरी भी चली गई थी तो अभी मैंने बैटरी चेंज करी है। और चेंज करने के बाद मैंने फटाफट देखा तो हम लोग बिल्कुल पास में ही पहुँच चुके हैं। और ये नज़ारे देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है।
एक तो सनसेट हो रहा है पीछे और आगे ये पूरा अलग ही टाइप का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने जो सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा है, बहुत अच्छा व्यू है। अब हम लोग यहाँ से, हमारा जो होटल है उसका भी रास्ता यहीं से ही है, तो आज मुझे लग रहा है कि मैंने पावर बैंक लेके सही किया। मैंने उसको चार्जिंग में लगा रखी थी, दूसरी बैटरी जो पहले डाउन हो गई थी सुबह, यही वही बैटरी जो काम आ रही है, नहीं तो मैं ये व्यू कैप्चर नहीं कर पाता आज। आज नहीं तो ये व्यू मुझे लगा था कि चला जाएगा, मिस हो जाएगा आज से, तो आज तो मज़ा आ गया देख के। और ये पूरा कच्चा रास्ता रहता था अंदर का, गांव से होते हुए ऐसे ही रास्ता भटक गए थे। आधे लोग जब आगे निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा टर्न है, पर ये माहौल देख के तो मजा आ गया। सामने वाला व्यू ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। पूरा जो हमारा जो कैंप है वो भी जंगल के अंदर ही है, तो बहुत मजा आने वाला है रात में। और ये व्यू भी इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्रेम में, अगर सही कैप्चर हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और आगे सारे के सारे हमारे राइडर्स चल रहे हैं। मैंने ग्लव्स उतार लिए क्योंकि बार बार ग्लव्स पहनो उतारो बहुत उलझन हो रही थी, बार बार फिर कैमरा ठीक करना पड़ता था। मैंने उतार ही दिए, मैंने कहा आने वाला है, मैं मेरे लिए व्यू कैप्चर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप लोग जंगल में, गजब यार, गजब 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 गजब। ये जो हम लोग जहां रुके हैं दरअसल हम लोग वहां जा रहे हैं, और उसका रास्ता यहां से होके जाता है जंगल में, क्योंकि ये जो कैंप है ये जंगल के अंदर वाला लिया है, तो इसीलिए हम लोगों को अंदर जाने, अंदर जा पा रहे हैं। नहीं तो ऐसे बाहर रुक रहे होते कहीं पर तो इतना अंदर नहीं आ पाते। अरे बाप रे भाई, बड़ा खतरनाक रास्ता है। अरे भाई, अरे भागी जा रही है बाइक, ओ माय गॉड। भाई ऐसा तो आज तक मैंने व्लॉग नहीं किया भाई, जितना भी किया पर ये व्लॉग इस टाइप का नहीं किया। इतना भयंकर रास्ते पे तो मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई। बाप रे बाप रे, अरे तेरी, जो आप अगर देखोगे तो आपको भी देखने से ही ऑफ रोडिंग का फील आ जाएगा। अरे बाइक के आगे वो पिछले टाइम नाच रहे हैं, तिरछे हुए जा रहे हैं। भाई यहां अंतर पहुंचना हर किसी की बात नहीं है। ये क्या वाकई में
इजी नहीं है कि आपने पैसे दे दिए और रुक गए, यू हैव टू अर्न इट। बाइक की भी ऐसी तैसी हो रही है, पूरा टेस्ट हो रहा है बाइक का भी पेशेंस। पूरा जंगल है वाकई में, अगर आज ये बैटरी अगर चार्ज नहीं हुई होती तो ये पूरा कंटेंट आपको मिस हो जाता। ये तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि आप ग्रुप के साथ जा रहे हो। आप आओ तो अकेले भी आ सकते हो, पर कैप्चर जो अभी इस समय हो रहा है पूरे ग्रुप के साथ, ये चीज़ दोबारा होना बहुत ही मुश्किल है, रेयर है, ये हो नहीं सकता। आप आना चाहो तो अकेले भी आ सकते हो ना, पर ये इस समय ये चीज़ बहुत यूनिक है भाई। ये है पेशेंस लेवल टेस्ट। अगर आपको दिख रहा होगा तो पता चल जाएगा आपको कि कैसा रास्ता है, कैसे हम चला रहे हैं भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है तो। ओ भाई कितना लंबा रास्ता है, खत्म नहीं हो रहा है। सॉरी थोड़ा कट हो गया, वो फोन आ गया था तो इसीलिए कट करना पड़ा। खैर हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग डेस्टिनेशन पे अपने, जो कि ये डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, बियर वैली कैंप पन्ना टाइगर रिजर्व, इसमें पहुंच चुके हैं। बाप रे हालत खराब हो गई, वाकई में देखिए पूरा जंगल है ये देखिए, और ये जिप्सी भी खड़ी हुई है कैंटर, क्योंकि ये जंगल के अंदर का। कहाँ से आ जाए फिर से ले रहे हो? पूरा देखिए जंगल है, मैं आपको अंदर से चेकआउट करा देता हूँ। ये है टेबल, चेयर, थर्मस, ग्लास, अलमीरा, ये एक बेड है, यहाँ पर सोफा, और ये अंदर घुसते ही देखिए आप कितना सुंदर है। सामने विंडो है जहाँ से जंगल पूरा दिख रहा है, अभी सनसेट भी हो रहा है। ये हमने अपना सामान रख दिया है, और ये एक दरवाज़ा है, अभी हमने देखा नहीं कि कहाँ खुलता है। और ये मैंने अपना जैकेट टांग दिया, ये इसका वॉशरूम बहुत ही सुंदर है, इसमें बाथटब भी है, वाह बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से पूरा जंगल दिख रहा है, बहुत सुंदर सीन है यहाँ से। और ये देखिए पूरी फेंसिंग लगी हुई है, हम लोग अंदर आए तो उन्होंने बाहर से बंद कर दिया है, ये सब बंद है, ये जितनी यहाँ से फेंसिंग आपको दिख रही होगी ये क्लोज्ड है। और हम लोग जहाँ से इंटर करे थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ जंगल के बीच में है, ये बहुत सुंदर है। टीवी भी है, एसी एंड ऑल, खूबसूरत पेंटिंग है टाइगर की, क्योंकि टाइगर रिजर्व है तो टाइगर ही फोटो बनती है। और ये बगल में हमारे और भी दोस्तों के कैंप्स हैं, ये खाने का है, किचन एरिया, ये देखिए बाकी के हमारे सब रेडर्स अलग अलग कैंप में रुके हुए हैं, कैंप टू, कैंप थ्री, लास्ट वाला कैंप फोर। अच्छी प्रॉपर्टी है बहुत,
और यहाँ हमारी खड़ी हुई हैं बाइक्स, ये हमारी सारी बाइक्स लग गई हैं यहाँ पर सामने ही। और ये टेंट सिस्टम है, इसमें ही सारी फैसिलिटीज़ है। और ये भी कुछ ऐसा दिखता है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, मतलब जंगल के बीच में पूरा कॉटेज बनाया हुआ। वो वहाँ से एंट्री थी, डेट वॉज द एंट्री पॉइंट। और ये यहाँ से जाके ये 1 2 3 4 5 5 कॉटेजेस आते हैं सब। ये देखिए जो डोर क्लोज था यहाँ पर, ये बाहर जाके पूरा ये सीन है, यहाँ पूरा जंगल है। और ये देखिए फेंसिंग लगी हुई है, और ये एंट्री गेट है जो बाहर वाला था। राहुल भाई मज़ा आ रहा है, बस चेन लगा के सो जाए, उसमें चेन होती है।